रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अंडे आलू। तो मैंने सबसे डाली, पहले डाल दी प्याज, ठीक है। प्याज को ब्लैक अच्छे से साफ कर लेंगे। अच्छा, हमने ये 5 अंडे लिए, अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, टमाटर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, ठीक है। अच्छा, लाइट ब्राउन से हमारी प्याज हो गई है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे, टमाटर वगैरह, ठीक है। तो हम 5 मिनट भूनेंगे, फिर हम इसमें यानी कि पानी डाल देंगे। अच्छा, इसमें हम आलू भी डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने आलू को बॉईल नहीं करा है, आलू को हमें गलाना है, तो फिर हम मसाले में गला लेंगे थोड़े, और फिर पानी डाल देंगे, तो फिर पकाएंगे तो फिर कुछ उसमें गल जाएंगे। अंडे तो हमें यानी कि ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है नहीं, अंडे बॉयल कर लिए, फ्राई कर लिए, ठीक है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनते रहेंगे। इस तरह से मसाला अच्छी तरीके से भुन जाता है और उसकी महक भी नहीं आती है कच्चेपन की, तो फिर है ना अच्छे से हो जाता है। अच्छा, हमारा मसाला तो फ्राई हो गया है, पर हम इसमें आलू गलाने के लिए थोड़ा पानी डाल देंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे हल्की आंच पे, और फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। कम ढक देते हैं हल्के आँच पर। अच्छा, इसमें हम अंडे डाल देते हैं, ठीक है। हमारे आलू यानी कि गल गए हैं, इतनी देर हो गई है, तो हम आपको दिखा देते हैं। देखें, हमारे आलू गल गए हैं, तो माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा यानी कि लग रहा है सालन। अगर आप चाहें तो थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। देखिए, हमारे माशाल्लाह से अंडे आलू का सालन तैयार है। तो अल्लाह हाफिज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, हमारा इनाम होता है आपकी तरफ से। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।